एक गांव में मकीराम और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की उम्र हो चली थी पर अपनी कोई संतान नहीं हुई तो दोनों ने जंबूरी को गोद ले लिया। दोनों उसे बड़ा प्यार करते थे पर एक दिन शाम को जंबूरी अचानक गायब हो गया। मकीराम ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिला। तो वे दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। साहब मेरी रिपोर्ट लिख लो। यहाँ सब रिपोर्ट लिखाने आते हैं। किस गांव के रहने वाले हो? साहब पलटा गांव। भाई पलटा गांव जहाँ सब उल्टा बोलते हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ। ए सुनो, जो पूछो ठीक ठीक बताना, अपने गांव की तरह उल्टे जवाब नहीं देना। चलो बोलो क्या हुआ। साहब मेरा बेटा कल रात से गुम है, कहीं मिल नहीं रहा। अरे बेटा है या चीज जो मिल नहीं रहा? साहब उसे ढूंढ दो, मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। देखो कल रात से इसका रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय मेरा लाल। अरे अरे रोना बंद करो, चलो बताओ क्या हुआ, कल रात को वो कहाँ गया था? साहब वो रोज शाम को थोड़ी देर घर के बाहर ही खेलता था पर कल अचानक वहाँ से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। हाय मेरा लाल। अरे ये रोना बंद करो, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। नाम क्या है? मकीराम। बड़ा पुराना सा नाम है, उम्र कितनी है? 45 साल। है 50 साल के तुम लग रहे हो बेटा, 45 कैसे हो गया? साहब मैं 50 का नहीं 45 का ही हूँ। अरे बाबले रिपोर्ट बेटे की लिखा रहा है तो उम्र अपनी क्यों बता रहा है? साहब आपने नाम मेरा पूछा तो मुझे लगा उम्र भी मेरी बतानी है। अबे कौन सी दुनिया से आए हो, बेटे का नाम बता। जंबूरी। बेटे की उम्र बता। साहब आपसे बस 2 ही मुट्ठी कम है। क्या मतलब? पत्नी दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर रखकर सिपाही के मुंह के आगे कर देती है। ए पीछे हटो। पर वो और आगे आ गई। मैंने पहले ही कहा था सीधे जवाब दो नहीं तो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। मकीराम और पत्नी ने एक दूसरे को देखा। इतना बड़ा था। इसका क्या मतलब है, तुम्हें अपने बेटे की उम्र नहीं पता? पत्नी पहले ना में फिर हाँ में सिर हिला देती है। साहब हम दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं है, जंबूरी को अभी 6 महीने पहले ही गोद लिया है, अब वही हमारा बेटा है। पत्नी कहती है इतना बड़ा था। रंग कैसा है? गेहुआ, दिखने में बहुत सुंदर है, काली काली बड़ी बड़ी आंखें हैं। ठीक है ठीक है, ये बताओ कल शाम को जाने से पहले क्या बोला? उसे बोलना थोड़ी आता है। क्यों, गूंगा है? नहीं साहब गूंगा तो नहीं है, बस हाँ है करता रहता है। कोई फोटो वोटो है उसकी? नहीं साहब। हे भगवान, देखो अभी बड़े साहब थाने में नहीं है, जब आएंगे तो मैं ये केस उनको दिखा दूंगा। तुम लोग अभी जाओ। साहब मेरा बेटा बहुत छोटा है। कहा ना तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम खुद तुम्हें बुलाएंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर दोनों टांगे पसार कर बोला, एक सिरदर्द की गोली देना, आज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सर आपको और सर दर्द? आज हो रहा है। झूठा कहेगा, काम ना करने का बहाना है बस। बस को एक ढंग का केस सॉल्व हो जाए तो इस बार प्रमोशन पक्का। अच्छा तो ये सिरदर्द काम का नहीं प्रमोशन का है, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं सर, कल के उस चोरी वाले केस का क्या हुआ, उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही। मिलेगी भी नहीं, वो केस खत्म हो गया। राक्षस कहीं का, पूरा केस खुद डकार गया। सर आज ये केस आया है, बच्चा कल शाम से गायब है, ढूंढना पड़ेगा। माँ बाप को किसी पर कोई शक है? सर गुम होने में शक क्यों होगा? हो सकता है बच्चा गुम ना हुआ हो, अपहरण भी तो हो सकता है, आजकल बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। चलो तहकीकात करते हैं। सर तहकीकात करनी जरूरी है, बच्चे का केस है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। सर आप तो जानते हैं ये पलटा गांव का केस है, जैसा इस गांव का नाम वैसे ही इसके लोग, यहाँ के सब लोग उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं, ऐसे में तहकीकात देखा जाएगा। मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंढकर इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जी सर। अब चलो तहकीकात की शुरुआत मकीराम से ही करते हैं। दोनों गांव में मकीराम के घर के बाहर पहुंचे। यहाँ तो गोबर की बदबू ही बदबू है। बदबू कहाँ है बदबू, प्रमोशन की बदबू भी खुशबू लगती है। अबे अपने प्रमोशन के चक्कर में मुझे गोबर क्यों सुंघा रहा है? तुमने कुछ कहा? नहीं सर। ये जो तुम बड़बड़ा जाते हो कहीं मेरे बारे में ना सर, आप तो सर हैं।
मकीराम, ओ मकीराम, मकीराम तुम्हें अपने बेटे के गुम होने पर किसी पर कोई शक है? साहब मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? हो सकता है तुम्हें परेशान और दुखी करने के लिए बच्चे को गायब कर दिया गया हो। नहीं नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है। गांव वाले तो मेरे जम्बूरी को गोद लेने पर बहुत खुश हुए थे, कईयों ने तो हमारी बहुत मदद भी की। ठीक है, हम तहकीकात करते हैं। मकीराम और पत्नी इंस्पेक्टर के पैरों को पकड़कर, हाय मेरा बेटा, मेरा जम्बूरी कहाँ चला गया? साहब उसे ले आओ, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। अरे चलो हटो, तुम सर के पैर छोड़ो, हम उसे ढूंढने के लिए आए। सिपाही रास्ते में जाते हुए दो आदमियों से, ऐ सुनो, तुमने जम्बूरी को कहीं देखा है? एक आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। कहाँ कहाँ देखा उसे? जंगल। जंगल में? क्या मतलब, इस गांव में तो कोई जंगल नहीं है। क्या कह रहा है ये? साहब ये जंगल बोल रहा। अबे ये क्या मस्करी कर रहे हो? सर को अगर गुस्सा आया ना तो दोनों को अंदर कर देंगे, समझे? जम्बूरी जंगल, जम्बूरी जंगल, जम्बूरी जंगल। साहब इसकी बात मत सुनो, ये थोड़ा खिसका हुआ है। आप जो बोलोगे उसमें से कोई भी नाम पकड़ के जंगल जंगल ही बोलेगा। तेरा दिमाग खराब है? तेरा दिमाग खराब, जंगल जंगल जंगल। अरे चुप हो जाना साहब, जम्बूरी अक्सर सर्कस में भाग जाता था, आप वहां पता करो, वो वही होगा। चलो सर्कस चलते हैं। दोनों सर्कस में आते हैं। ए सुनो, इस सर्कस के मालिक को बुलाओ। मालिक हाथ में चाबुक घुमाते हुए आया। तुम ही सर्कस के मालिक हो? मेरे सिवा और कौन हो सकता है? अबे ओ, ज्यादा घुमा फिरा के बात मत करना, जो पूछा जाए सीधे सीधे बताओ, कितने बच्चे हैं सर्कस में? मालिक ने तीन उंगलियां दिखाई। अबे मुंह से बोल, तीन, तीन बच्चे हैं। तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है? वो बच्चे यहाँ काम नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, वो तो बस यहाँ उनके साथ रहते हैं। सब बच्चों और उनके माँ बाप को बुलाओ, ये वाला तो उम्र में बड़ा लग रहा है। ए बेटा चलो, तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? अपने माई और बाबू के साथ। सच्ची में यही तुम्हारे माई बाबू है? वो मेरी माई और वो मेरे बाबू, बाबू के माई बाबू दादा दादी है, माई के माई बाबू नानी है, और हाँ एक कालू काका भी है। बस बस रेलगाड़ी रोको। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। तीसरा बच्चा बहुत मोटा और हंसमुख था। बच्चे को जोर जोर से हंसता देखकर, तुम हंस क्यों रहे हो? अंकल मुझे एक नहीं पांच टॉफी देना। मेरे पास तो बस एक ही टॉफी बची है। नहीं मुझे पांच देना। अबे मोटे इतनी टॉफी खा के और मोटा हो जाएगा। मेरे लकड़ी जैसे बेटे को मोटा कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कब मोटा कहा, इसने तो कुछ भी नहीं कहा। हम लोग मन की बात जान लेते हैं, ये हवलदार की जेब में पूरे पांच टॉफी हैं, और इसने मेरे लाला को मोटा भी कहा। ये लो तुम सब रखो, चलो अब तुम लोग जाओ। दोनों सर्कस से निकलकर सड़क पर बनी पान की दुकान पर। ओ भैया दो पान बनाना। अभी दो मिनट में बनाता हूँ साहब। सुनो मकीराम का बेटा जम्बूरी कल शाम से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा है? साहब उस जम्बूरी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कोई काम वाम नहीं लगता आपके पास? ए ज्यादा जबान मत चलाओ, जो पूछा बस वो बताओ। नहीं साहब देखा तो नहीं, कहाँ जाएगा वो बेचारा, उस गधी के पास ही होगा। कौन गधी? उसकी माँ। और कौन? उसकी माँ को गधी कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब अब गधी को गधी ना कहूँ तो और क्या कहूँ, पास वाले गांव के रत्तीनाथ के यहाँ रहती है, पर आप इतनी चिंता मत करो, वो जम्बूरी वहीं गया होगा। इंस्पेक्टर और सिपाही रत्तीनाथ के घर जाते हैं। हाँ भाई रत्तीनाथ, हमें सब पता चल गया है। क्या साहब? वो जम्बूरी यही है। मैं सच कहता हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो जब जम्बूरी को मकीराम को बेचा था उसके बाद कभी मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखा। अच्छा बेटा, बच्चे को गोद नहीं दिया, बेचा है, तुम ये भी करते हो? तुम्हें तो अच्छे से देखूंगा। साहब मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी, वरना। कहाँ है वो, बुलाओ उसे। साहब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो खुद ही वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गया। अबे सुना नहीं साहब ने क्या कहा, बुलाओ उसे। साहब वो रहे दोनों जम्बूरी और उसकी माँ। कहाँ है? साहब है तो सामने। कहाँ है? सामने तो बस दो गधे खड़े हैं। ए जम्बूरी इधर आ। गधे का बच्चा दौड़ते हुए आ गया। साहब यही तो है जम्बूरी। ये है मकीराम का बेटा। साहब उसके अपनी कोई औलाद नहीं है ना, तो वो मेरी गधी का बच्चा ले गया, कह रहा था कि यही आपसे मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
इंस्पेक्टर और सिपाही वहीं से चले जाते हैं। रास्ते में तुमने मकीराम से पूछा क्यों नहीं कि जम्बूरी कौन है? सर मैंने पूछा था, उसने कहा कि जम्बूरी उसका बेटा है। ये क्यों नहीं पूछा कि वो इंसान का बेटा है या जानवर का? सर मकीराम तो इंसान है, तो मैंने सोचा तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुमसे ज्यादा समझदार तो वो जम्बूरी है। थाने में पहुँच कर मकीराम को बुलाओ। मकीराम और उसकी पत्नी आते हैं। मकीराम तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि जम्बूरी एक गधा है? साहब किसी ने ये वाला सवाल पूछा ही नहीं। तो तुम ही उसे मेरा बेटा कह रहे थे? साहब वो मेरा बेटा ही है। तुम्हारा बेटा रत्तीनाथ के घर अपनी माँ के पास है? साहब वो इतनी दूर वहाँ चला गया। हाँ और सुनो, तुम उसे अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते? मैंने उस रत्तीनाथ को रुपए, हमें पता है कि तुमने जम्बूरी को उससे खरीदा है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो पर उसकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते, समझे? जी साहब, अब से मैं खुद ही उसे मिलवा लाया करूंगा। पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, सोचा था यह केस सॉल्व होते ही प्रमोशन पक्का, कमबख्त केस ही नहीं रहा।